आज हम लोग क्लास 11 का पाठ त्रिकोणमितीय फलन की प्रश्नावली 3.3 का परिचय या इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। देखिए प्रश्नावली 3.3 फॉर्मूला बेस्ड प्रश्नावली है, जिसमें अगर यदि आपको अच्छे से फॉर्मूला याद है तो आप उस प्रश्नावली को बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकेंगे। तो इस प्रश्नावली के इंट्रोडक्शन शुरू करने के पहले हम अभी तक जो सूत्र पढ़े हैं उसका हम लोग पहले थोड़ा सा तुरंत हम रिवीजन कर लेते हैं इसको, तो इसके आगे हम आगे के फॉर्मूले को देखेंगे। तो देखिए अभी तक हमने पढ़ा, ये चीज़ हमने क्लास 10 में पढ़ी है, तो इसको देख लेते हैं। देखिए ये सर्वसमिकाएँ हैं, तीन सर्वसमिकाएँ जो हमने क्लास 10 में पढ़ी थी, ये हमने यहाँ लिख दिया है सर्वसमिकाएँ, जिसके अंतर्गत पहला है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर एक, और दूसरा है 1 + tan² x बराबर sec² x, और तीसरी सर्वसमिका है 1 + cot² x बराबर cosec² x। ठीक ना, अब देखिए अगर इसमें से आपको ये वाला याद है और अगर ये याद नहीं भी है तब भी आपको इसकी मदद से आप इन दोनों को बना सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे बता देते हैं, देखिए जैसे ये साइन स्क्वायर एक्स है प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, अगर हम इसमें अगर दोनों पद दोनों दायां और बायां पक्ष दोनों में अगर हम कॉस स्क्वायर एक्स से पहले भाग दे लें, तो देखिए ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 / cos² x। तो देखिए ये साइन बटे कॉस हो गया तो 10² x हो गया, ये पूरा कैंसिल तो ये 1 हो गया, और 1 / cos क्या होता है sec² x। तो देखिए ये सर्वसमिका दूसरी हमको प्राप्त हो गई, ठीक ना, चाहे ये 1 इधर चाहे इधर, तो ये हो गया हमको 10² x + 1 बराबर sec² x, तो ये प्राप्त हो जाएगा। यदि आपको इसी में अगर आप sin² x से भाग दे देंगे, देखिए अगर हम यही सर्वसमिका लिखकर इसको sin² x से भाग दे देते हैं, देखिए बटे sin² x लिख दे रहे हैं प्लस ये cos² x बटे sin² x 1 / sin² x, तो इससे हमको देखिए एक कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 आएगा प्लस cos बटे sin cot होता है और 1 / sin होता है cosec² x, ठीक ना। तो देखिए हमको तीसरी सर्वसमिका प्राप्त हो गई। तो अगर आपको ये अच्छी तरह से याद है तो बाकी दो सर्वसमिकाएं भी इससे हम ज्ञात कर सकेंगे, और इसी तरह हम लोग प्रश्नावली 3.3 का इंट्रोडक्शन जब पढ़ेंगे तो इसमें हमको आपको 20-25 फॉर्मूले दिखाई देंगे, तो हम उन सभी फॉर्मूले को देखेंगे और इसके डेरिवेशन पर ना जाकर हम इस फॉर्मूले को याद करने के तरीके को सीखेंगे कि इस फॉर्मूले को कैसे याद रखें, क्या उसका पैटर्न है, जिससे हमको कभी भी ये हमको भूले ना, ठीक ना। तो उसको हम आगे अभी देखते हैं। देखिए ये हमने देख लिया, अब इसके बाद हमने देखा था पूरक कोणों के बारे में, ठीक ना, sin 90 - θ बराबर cos θ, cos 90 - θ बराबर sin θ, tan 90 - θ बराबर cot θ, cot 90 - θ बराबर tan θ, sec 90 - θ बराबर cosec θ, cosec 90 - θ बराबर sec θ। तो ये हो गया। अब देखिए अब हमने जो प्रश्नावली 3.1 में पढ़ा था तो देखिए हमको पहले ये फॉर्मूला मिला था, लिखा है इसमें थीटा बराबर L/R, ठीक ना, थीटा बराबर L/R, इसमें हमको ये क्या है, ये चाप की लंबाई होती है, R क्या है वृत्त की त्रिज्या, और चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ये हो गया थीटा हो जाता है हमारा, ठीक ना। तो इस प्रकार ये फॉर्मूला थीटा बराबर L/R मिला। तो इसमें L और R दोनों की इकाई जब भी हम रखेंगे इसमें तो हमेशा एक ही इकाई होनी चाहिए, मतलब यदि ये सेंटीमीटर में है तो R भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, तो इस प्रकार इसका मान रखेंगे, और जब हम इसको हल करेंगे तो जो भी थीटा का मान आएगा वो हमेशा और हमेशा रेडियन में ही प्राप्त होगा, ठीक ना, इसलिए C लिखा हुआ है। इसमें अगर आपको कोई थीटा का मान अगर डिग्री में भी दिया है तो इस सूत्र में रखने के पहले आप उसको पहले रेडियन में बदलिए। फिर इसके बाद हमने पढ़ा ये वाला सूत्र, देखिए लिखा है sin 2n π + x बराबर sin x, मतलब 2π का कोई भी गुणज अगर हमको यहाँ प्राप्त होता है तो sin x आंसर आ जाएगा,
ठीक ना। अगर साइन मतलब 2π 4π 3π 4π 6π 7π जो भी यहाँ पे होगा, 2π का अगर गुणज होगा तो हमको साइन x ही प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार कॉस में भी यही फॉर्मूला लगता है। और n कहाँ है, n इसमें ये पूर्णांक है ठीक ना, मतलब n का मान आपको यहाँ शून्य से लेकर -1 -2 -3 +1 +2 +3 ये सब हो सकता है ठीक ना। तो ये सूत्र हो गया। अब देखिए इसमें हमने बोला साइन यक्स का मान जीरो कब होता है ठीक ना, साइन का मान कब जीरो होता है, तो ये देखिए जब थीटा का पाई का गुणज हो ठीक ना, मतलब इसमें क्या लिखा है पाई 1π ये लिखा हुआ है, अगर n की वैल्यू जीरो रखें तो मतलब जीरो, मतलब थीटा जीरो हो तो साइन एस का मान भी जीरो, या फिर पाई पर जीरो होगा, फिर 2π पर होगा, 3π पर, 4π पर, मतलब n का मान चाहे 1 रखिए पाई, पाई 2π 3π 4π या -π -2 -3π, इस पर साइन एस का मान शून्य होता है। या कह सकते हैं कि आप यक्स अक्ष पर पड़ने वाले जितने भी कोण हैं उस पर साइन यक्स का मान शून्य होता है ठीक ना। ये सब हमने बताया है, बस हम यहाँ पर रिवीजन करा रहे हैं आपको। कॉस यक्स बराबर जीरो ये कब होगा, जब यक्स का मान 2n+1π/2, मतलब इसका विषम गुणज होगा π/2 का है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर कॉस यक्स का मान शून्य होता है ठीक ना। तो इसमें देखिए या तो ये हो गया यक्स अक्ष पर साइन एक्स का मान शून्य होता है, इसी प्रकार इसमें वाई अक्ष पर जो भी कोण आएंगे हमको ये जीरो ही प्राप्त होगा कॉस एक्स का मान ठीक ना। इसके बाद हमने पढ़ा एक सूत्र था साइन माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स ठीक ना, कॉस माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स होता है ठीक ना, ये दोनों सूत्र याद रखिएगा। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कि पूरी एक परिक्रमा के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 360 डिग्री होता है, और ये 360 डिग्री और रेडियन में ये रिलेशन होता है, मतलब 360 बराबर 2π रेडियन होता है। अब इसमें देखिए इसमें हो गया इसको दो को पक्षांतर या दो से भाग कर देंगे तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री प्राप्त हो गया। फिर हमने देखा था 1 डिग्री बराबर 60 मिनट ठीक ना, ये मिनट होता है, ये मिनट हो गया। फिर इसी प्रकार 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है ठीक ना, तो ये भी हमने देख लिया था। इसके बाद देखा था ये तो हमको बहुत पहले शुरू में देखा था, तो देखिए इसको देखते हैं। देखिए ये है कि ये है प्रारंभिक रेखा, यहाँ से अगर हम घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में अगर लें, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन लेंगे, इसको वामावर्त बोलते हैं, तो इसको हमको धनात्मक कोण प्राप्त होता है। इसी प्रकार अगर हम क्लॉक वाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी की दिशा में लेंगे, देखिए यहाँ से घड़ी की दिशा में जा रहे हैं तो ये माइनस थीटा प्राप्त हो रहा, मतलब इसमें हमको ऋणात्मक कोण प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ देखा था कि अगर चारों चतुर्थांश की बात करें तो इसमें देखिए हमने बोला ये ऑल का मतलब यहाँ सभी त्रिकोणमिति अनुपात प्लस में होता है। त्रिकोणमिति अनुपात मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये सभी प्लस होता है इसमें। फिर दूसरे चतुर्थांश में बोला साइन या कॉसेक ही प्लस होते हैं, बाकी जो बच गए वो ऋणात्मक में होते हैं। इसी प्रकार तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट प्लस में होते हैं, बाकी सब माइनस में होते हैं। चौथे में कॉस या सेक ठीक ना, ये प्लस में होते हैं। तो इस प्रकार हमने बोला था ऑल साइन टेन कॉस, इसको याद रखिएगा। अब देखिए लास्ट में हमको ये पढ़ा था त्रिकोणमिति फलन है ये, इनके प्रांत क्या होते हैं और इनके परिसर क्या होते हैं ठीक ना। देखिए साइन एक्स का प्रांत होता है आर, मतलब सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ही प्राप्त होता है, सभी वास्तविक संख्याएं, और परिसर -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 तक है ना, -1 और 1 को भी शामिल करेंगे। कॉस एक्स का कहता है प्रांत आर है, -1 1। टेन का देखिए आर माइनस, ये देखिए ये क्या होता है, टेन क्या होता है, साइन बटे कॉस होता है। तो देखिए कॉस यहाँ अगर ये मान अगर जीरो हो जाए तो ये अपरिभाषित होएगा, किसी के बटे अगर जीरो होता है तो अपरिभाषित हो जाता है, इसलिए ये मान जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब ये मान किस पर जीरो हो जाता है, देखिए किस पर हो जाता है ये जीरो, 2n+1π/2, मतलब ये मान हम यहाँ पर नहीं रख सकते, इसीलिए आर माइनस इसको माइनस कर दिया, मतलब ये मान हम नहीं रख सकते, और हमको प्राप्त क्या होगा टेन, परिसर हो जाएगा आर। फिर कॉट में देखिए तो कॉट में क्या होता है, कॉस बटे साइन होता है।
तो साइन यहाँ देखिए, साइन मतलब यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए, अगर जीरो हो जाएगा तो ये पूरा कॉट एक्स अपरिभाषित प्राप्त होगा। तो साइन एक्स देखिए किस पर जीरो हो जाता है, एक्स बराबर एन पाई पर, मतलब एन का मतलब पूर्णांक जो भी संख्या रखे, तो एन पाई पर ये मान जीरो हो रहा है, इसलिए हम एन पाई को यहाँ माइनस कर लिए हैं, ठीक ना, और इसका परिसर आर हुआ। इसी प्रकार सेक एक्स क्या होता है, एक बटे कॉस होता है, मतलब ये फंक्शन कॉस एक्स का मान जीरो नहीं होना चाहिए, वरना ये अपरिभाषित हो जाएगा। और कॉस एक्स का मान कहाँ पर जीरो होता है, देखिए ये भी बताया, यही चीज़ हुआ, तो इसलिए आर माइनस दिस कर लिया है। और इसका परिसर देखिए, माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन यूनियन वन टू इनफाइनाइट, ठीक ना, वन टू इनफाइनाइट, ठीक ना, तो ये इसका परिसर हो जाता है। इसी प्रकार कौशिक क्या होता है, तो ये होता है एक बटे साइन एक्स, मतलब साइन एक्स का मान जीरो नहीं होना चाहिए, और इसका मान जीरो कब होता है, एन पाई पर, इसलिए आर माइनस एन पाई लिख दिया, ठीक है। इनको हटाकर जो भी मान रखेंगे वास्तविक संख्या सब पर ये परिभाषित होगा ये, और इसका भी वही रेंज होता है जो ये सेक का होता है, ठीक ना, माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन यूनियन क्लोज इंटरवल है ये, ठीक ना, क्लोज इंटरवल वो एक से इनफाइनाइट तक, ठीक ना। तो ये हमने देख लिया। इसके बाद हमने इनों छहों त्रिकोणमितीय अनुपात के 0, 30, 45, 60, 90 और 180, 270 और 2 पाई पर क्या मान होता है वो हमने देखा था, तो उसको भी तुरंत हम देख लेते हैं अभी। तो अब हम लोग इसमें इनका भी थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। तो देखिए हमने क्लास 10 में सब यहाँ से ये पाई बाई 2 तक, ठीक ना, ये हमने यहाँ से यहाँ तक पढ़ रखा है, ये हमें क्लास 11 में ये नया चीज़ प्राप्त हो रहा है, ठीक ना। तो एक बार हम सबको पूरी तरह फिर से रिवीजन करा देते हैं। इसमें देखिए ये कन्वर्ट बस बदले हैं, यहाँ पहले डिग्री में हम लिखा करते थे, ठीक ना, अब हम यहाँ पर रेडियन में लिखे हैं। तो अब हम लोग जब त्रिकोणमितीय फलन पढ़ेंगे तो हमेशा हम रेडियन में ही बात करेंगे। तो आप क्या करिए, कोशिश करिएगा डिग्री को रेडियन में, ये ना जैसे ये 6 है तो ये 30 डिग्री है, ये 45 है, है ना, ये 60 है, ये 90 है, ये 180, 270, आप इनके मान इसको इस तरह याद ही कर लीजिए कि 270 पे क्या होता है, क्योंकि बार बार सोचना और बदलना में समय लगेगा। अब ये बार बार आपको ये मुलाकात इन लोगों से होगा ही, इसलिए आप इनको याद कर लिए। 3 पाई बाई 2 मतलब 270, पाई मतलब 180, पाई बाई 2 मतलब 90, ये 60, 45 और 30, ठीक ना। अब देखिए हम देखते हैं साइन 0 पर ये 0 ही प्राप्त होता है, ठीक ना। तो देखिए कैसे याद होता है, थोड़ा सा हम इस पर कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी तरह से जल्दी से याद हो जाए। तो साइन 0 पर 0 होता है, ये है 30 डिग्री तो ये 1/2 होता है, और 45 पर 1/2 होता है, और ये 3/2 और ये 1 होता है, ठीक ना। ये लाइन आप इतना याद कर लीजिए, 0, 1/2, 1/2, 3, 3/2 और 1। अब क्या करिए, आप इसी को उलट कर यहाँ पर लिखना शुरू कर दीजिए, ये इधर से उल्टे क्रम में लिखिए, यहाँ देखिए 1/3, 1/2 और यहाँ 1/2, और ये 0 है तो ये 0 लिख लिया, ठीक ना। तो अब देखिए इसमें भी याद रखिएगा कि ये मान, देखिए ये मान बराबर होता है, मतलब साइन और कॉस का 45 पर सेम मान होता है, ठीक ना। चलिए ये भी कुछ याद हो जाएगा कि 45 कभी भी आएगा तो सोचना नहीं पड़ेगा आपको, 1/2 होता है। अब 10 पर देखिए, तो देखिए यार 10 जो हम मान रख रहे हैं उसको या तो आप याद कर लीजिए या आप क्या करिए साइन बटे कॉस कर लीजिए, है ना, 10 बराबर साइन बटे कॉस होता है। तो 0/1 करिए, तो 0/1 मतलब 0 आ जाएगा, 0/1 कुछ भी हो उसका मान 0 ही प्राप्त होता है। 1/2/3/2 तो 1/3 प्राप्त देगा, है ना, 2 कैंसिल, 1/3 प्राप्त हो जाएगा। इसमें भी 1/2 सेम चीज़ है, तो बटे में कटे हो तो ये 1 आ जाएगा, है ना, ये बटे ये करेंगे सेम चीज़ है तो कट के 1 हो जाएगा। इसमें भी देखिए 1/3, 1/2 है तो नीचे 2 वाले कट जाएंगे, 3/1 प्राप्त होगा, तो इसका मतलब 3 ही प्राप्त हुआ। अब देखिए इसमें 1/0 प्राप्त हो रहा है, तो 1/0 का मतलब क्या होता है, अपरिभाषित, ठीक ना, 1/0 का मतलब अपरिभाषित, तो हमने यहाँ अपरिभाषित लिख दिया। तो ये देखिए ये आपको अच्छी तरह से अगर ये याद है तो बाकी ये जितने भी खाली स्थान है आप इसको बहुत अच्छी तरीके से भर सकते हैं। देखिए कैसे, कौशिक हमको मालूम है साइन का व्युत्क्रम कौशिक होता है, तो क्या करिए आप इसका उल्टा कर दीजिए,
तो जीरो देखें यहाँ पर क्या है, ये जीरो बटे एक है, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो एक बटे जीरो हो जाएगा, और एक बटे जीरो मतलब अपरिभाषित, तो ये हमने अपरिभाषित लिख दिया। फिर सेक है कौसेक, कौस का व्युत्क्रम होता है, तो एक का उल्टा करेंगे तो एक बटे एक मतलब एक प्राप्त हो जाएगा, जीरो का व्युत्क्रम करेंगे तो एक बटे जीरो, एक बटे जीरो मतलब अपरिभाषित। अब देखिए इसमें एक बटे दो का उल्टा करेंगे तो ये दो प्राप्त हो जाएगा, कर्णी तीन बटे दो का व्युत्क्रम करेंगे तो दो बटे कर्णी तीन प्राप्त हो जाएगा, एक बटे कर्णी तीन का व्युत्क्रम करेंगे तो कर्णी तीन प्राप्त हो जाएगा, एक बटे कर्णी दो का व्युत्क्रम करेंगे तो कर्णी दो प्राप्त हो जाएगा, इसी प्रकार यहाँ भी कर्णी दो प्राप्त हो जाएगा, एक का व्युत्क्रम एक प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। इसी प्रकार कर्णी तीन बटे दो का व्युत्क्रम दो बटे कर्णी तीन प्राप्त हो जाएगा, इसी प्रकार एक बटे दो का व्युत्क्रम दो और एक इसका एक बटे कर्णी तीन का प्राप्त हो गया। अब देखिए इसमें एक का उल्टा एक ही होता है, जीरो का बटे एक बटे जीरो है ना, तो अपरिभाषित, और ये होगा इस देखिए ये है तो इसका मतलब एक बटे अपरिभाषित मतलब जीरो हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हमने यहाँ जीरो लिख दिया, ठीक ना। तो यहाँ तक आपने इसको देख लिया। अब देखिए इसको ज्ञात करना है हमको, ठीक ना। तो इसमें भी हमको केवल अगर साइन और कॉस का ये मान अगर हमको ये मिल जाए तो बाकी हम भी अपने आप भर लेंगे, ठीक ना। तो देखिए ये हमने बना रखा है, एक इकाई त्रिज्या वाला वृत्त है, ठीक ना। तो एक इकाई त्रिज्या है मतलब ये सभी एक 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 हो गया। तो ये देखिए इस बिंदु का निर्देशांक कितना है 1 0, इस बिंदु का 0 1, यहाँ -1 0, ये 0 -1 प्राप्त होगा। तो अब देखिए ये जो यक्स निर्देशांक होता है ये कॉस एक्स के मान को देता है, वाई निर्देशांक साइन एक्स के मान को देता है। तो जब हम यक्स अक्ष मतलब 0 डिग्री की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको देखिए साइन क्या प्राप्त हो रहा है, ये देखिए ये है कॉस एक्स बराबर एक और कॉस साइन साइन मतलब ये 0 ही है, 0 एक बराबर और साइन 0 बराबर ये 0 प्राप्त हो रहा है, ठीक ना। मतलब ये कॉस का मान है और ये साइन का मान है। तो देखिए साइन, अब देखिए ये तो हो गया, हमको इसका मान तो हमने लिख ही लिया है, हमको बस ये पाई और 3π/2 की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखिए साइन, साइन क्या है पाई, तो देखिए ये कॉस का वैल्यू है ये साइन का वैल्यू है, तो इसका मतलब साइन पाई की वैल्यू 0 प्राप्त हो रही है, ठीक ना। इसी प्रकार यहाँ कॉस कॉस पाई की वैल्यू कितनी है -1 प्राप्त हो रही है, तो ये हो गया। इसी प्रकार अब 270 पर देखते हैं, तो ये कॉस का मान होता है और ये साइन का मान होता है, तो देखिए साइन का मान कितना है -1, तो देखिए -1 हो गया और ये 0 हो गया। तो देखिए कितने इजी तरीके से ज्ञात हो गया, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगर हमको ये प्राप्त हो गया तो इसके बाद हमें बाकी भी याद कर लेते हैं। देखिए टेन होता है 0 बटे ये मतलब साइन बटे कॉस होता है ना, तो ये जीरो बटे -1 करेंगे तो 0 के बटे कुछ भी होता है, मतलब 0 को छोड़कर कुछ भी हो, 0 के बटे में कुछ भी हो तो इसका मान 0 ही प्राप्त हो जाता है, ठीक ना। 0 बटे 1, 0 बटे 4, 0 बटे 528, तो इसका मान भी 0 ही प्राप्त हो जाता है, ठीक ना। तो ये 0 प्राप्त हो गया। अब -1/0 है ना, -1/0 साइन बटे कॉस कर रहे हैं, तो किसी भी संख्या के संग के बटे में अगर 0 हो जाए तो ये अपरिभाषित हो जाता है, ठीक। अब देखिए इसका व्युत्क्रम यहाँ करेंगे तो ये आ जाएगा है ना, तो 0 का 1/0 हो जाए तो ये अपरिभाषित, -1 का व्युत्क्रम -1, 0 का व्युत्क्रम अपरिभाषित, -1 का उल्टा -1, 0 का उल्टा अपरिभाषित, अपरिभाषित का उल्टा 0 प्राप्त हुआ। तो देखिए ये हमने पूरा टेबल ज्ञात कर लिया। अब हम लोग प्रश्नावली 3.3 के इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग देखेंगे, तो ये है वाई अक्ष, ये है यक्स अक्ष, यक्स अक्ष ये लिख दिया और ये यक्स, ये वाई अक्ष और ये वाई डैश। तो अब देखिए इसमें हमने क्या लिखा था, पहले इसमें बोले था सभी मतलब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस में होते हैं, यहाँ कॉस ये साइन और कॉस लिखा था, साइन और कॉसेक लिखा था, ये प्लस में होते हैं, और यहाँ हमने लिखा था टेन और कॉट प्लस में होते हैं, और यहाँ कॉस और सेक प्लस में होते हैं, ठीक ना। ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश,
इसी प्रकार ये तीसरा और ये चौथा, ठीक ना। अब देखिए इसमें अगर मैं इस चतुर्थांश की बात करूं तो ये वाला क्या है, जीरो से लेकर पाई तक है, ठीक ना, जीरो से लेकर पाई तक है। इसको मैं जीरो यहाँ लिख रहा हूँ जीरो, ये पाई बाई टू, ये पाई और ये थ्री पाई बाई टू, ठीक ना। तो अगर मैं पहले चतुर्थांश में हूँ तो मतलब जीरो से लेकर पाई बाई टू से जस्ट कम है ना, पाई बाई टू से कम। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये सभी कोण जैसे मैं यहाँ लिख दूँ, ये हो गया पाई बाई टू माइनस एक्स, मतलब 90 से कम कोण। तो 90 से कोण कितना भी कम होगा, थोड़ा सा भी कम हो मगर 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, तो वे सभी कोण पहले चतुर्थांश में आएंगे, ठीक ना। और अगर मैं यही करूं पाई बाय टू प्लस एक्स, तो इसका मतलब पाई बाय टू का पाई बाय टू से ज़्यादा, तो जैसे मैं प्लस एक्स कर दूं तो दूसरे चतुर्थांश में वे एक सभी कोण चले जाएंगे, ठीक ना। अब देखें यहाँ पर यदि मैं यहाँ पाई माइनस एक्स करूँ तो पाई में मतलब 180 में थोड़ा सा कोई एंगल कम, मतलब पाई बाई पाई के बराबर भी नहीं, तो फिर ये दूसरे चतुर्थांश में ही आ जाएगा, है ना, पाई माइनस एक्स। तो दूसरे चतुर्थांश में आने के लिए दो नियम, या तो 90 प्लस एक्स करिए या पाई माइनस एक्स करिए, तो आप इसमें इसके अंदर जो भी कोण आए सब दूसरे चतुर्थांश में पहुँच जाएंगे। अब देखिए तीसरे में आने के लिए या तो हम पाई बाई एक्स कर लें तब हम दूसरे तीसरे में आ जाएंगे, या तो करें हम थ्री पाई बाई टू माइनस एक्स कर लें तब भी हम इसमें आ जाएंगे। अब देखिए इसमें चौथे में जाने के लिए पाई बाई टू प्लस एक्स करेंगे तो चौथे में चले जाएंगे। तो इन सभी कोणों पर ये छह त्रिकोणमिति जो अनुपात या फलन है उनके हम मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं हम, देखिए अगर मैं लिखूँ साइन पाई बाय टू प्लस एक्स, सॉरी माइनस लिख लेते हैं पहले, माइनस एक्स कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स टेन पाई बाय टू माइनस एक्स बराबर और कॉस एक पाई बाय टू माइनस एक्स सेक पाई बाय टू माइनस एक्स और ये कॉट पाई बाय टू प्लस माइनस एक्स। तो देखिए इनके मान क्या आएंगे, है ना, पाई बाय टू माइनस एक्स मतलब सभी पहले चतुर्थांश में जा रहे हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार हमको यहाँ पर भी इनके भी मान ज्ञात करेंगे, इन सबों के मान ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए देखिए कुछ नियम लगते हैं, तो ये नियम देखिए हम बता देते हैं आपको। जैसे ये पाई बाय टू है, यदि आप किसी भी फलन में अगर पाई बाय टू माइनस एक्स करें या पाई बाई टू प्लस एक्स करें, मतलब पाई बाई टू पर, इसी प्रकार थ्री पाई बाई टू प्लस या थ्री पाई बाई टू माइनस, तो इस पर क्या होगा, त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन बदल जाते हैं, ठीक ना, बदल जाते हैं। तो कैसे बदलते हैं, तो ये देखिए साइन एक्स अगर हो तो ये कॉस एक्स में बदल जाएगा, और ये कॉस एक्स है तो साइन एक्स में बदल जाएगा, टेन एक्स है तो ये कॉट एक्स में बदल जाएगा, और ये कॉट एक्स है तो टेन में बदल जाएगा, यदि कॉसेक एक्स है तो ये सेक एक्स में बदल जाएगा, ठीक ना। ये बदलना केवल पाई बाय टू और थ्री पाई बाय टू पर ही होता है, ठीक ना। तो देखिए इसका मान कैसे बदलेंगे, देखिए ये है साइन, अब साइन पाई बाय टू माइनस एक्स का मान कितना आता है, तो ये होता है साइन, देखिए साइन होगा तो कॉस में बदल जाएगा, कॉस एक्स में बदला, ठीक ना, 90 माइनस एक्स मतलब साइन एक्स, साइन का कॉस में बदल गया, कॉस साइन में बदल जाएगा, टेन कॉट में बदल जाएगा, कॉस एक सेक में बदल जाएगा, ठीक ना। और चूंकि पहले चतुर्थांश में सभी प्लस में होते हैं इसलिए सभी प्लस में ही आंसर आएंगे। तो कॉस क्या हो गया, साइन में बदल गया, टेन किस में, कॉट में, कॉसेक सेक में, और सेक
कॉसेक में और कॉट टेन में बदल गया, ठीक ना। तो इस प्रकार ये प्राप्त हो गया। अब हम प्लस वाला देखेंगे, तो इसको भी हम यहाँ लिख लेते हैं। तो देखिए हमने लिख लिया है पाई बाय टू प्लस थीटा पर, है ना, पाई बाय टू प्लस एक्स, अच्छे फलन को लिख लिया हमने। तो देखिए इसमें किसका मान क्या प्राप्त होगा। तो अब देखिए पाई बाय टू पर है, तो हमने बोला था पाई बाय टू पर प्लस में हो चाहे माइनस थीटा में हो, साइन कॉस में, है ना, त्रिकोणमितीय फलन बदल जाएंगे। तो देखिए साइन हम बदलेंगे कॉस में और कॉस बदलेंगे हम साइन में, टेन बदलेंगे कॉट में, कॉसेक बदलेंगे सेक में और सेक बदलेंगे कॉसेक में और कॉट बदलेंगे टेन में, ठीक ना। सबसे पहले इतना हम बदल लेंगे। अब आई बारी चिन्ह लगाने की, ठीक ना। तो देखिए दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक जो हैं वो प्लस में हैं। तो देखिए साइन था तो साइन का मान जो भी आया हो, ठीक ना, देखिए कॉस में आया है तो हम कॉस को नहीं देखेंगे, हम शुरू में जो लिखा है साइन को देखेंगे कि साइन देखिए किस में है, दूसरे चतुर्थांश में, पाई बाय टू प्लस एक्स, तो साइन दूसरे चतुर्थांश में प्लस होता है इसलिए इसका मान प्लस में आएगा, ठीक ना। इसी प्रकार ये कॉसेक जो है, साइन कॉसेक है, तो कॉसेक जो है इसका जो भी मान आया होगा ये प्लस में आया होगा और जो बाकी जो बच गए वे सब माइनस में आएंगे, ठीक ना। तो ये हो गया प्लस थीटा पर, ठीक ना। तो अब देखिए हम पाई बाय टू माइनस एक्स और प्लस एक्स वाले पर देख लेते हैं। तो देखिए ये आगे हम देखिए पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स मतलब दूसरे चतुर्थांश में है। तो देखिए दूसरे चतुर्थांश में, अब देखिए ये हम पाई वाले आ गया, तो देखिए ये जो त्रिकोणमिति फलन जो बदल रहे थे ये केवल पाई बाय टू और थ्री पाई बाय टू पर बदलते हैं और ये पाई और टू पाई या जीरो पर नहीं बदलते हैं, इसलिए साइन को हम साइन ही लिखेंगे, कॉस का हम कॉस ही लिखेंगे, टेन का टेन लिखेंगे और कॉसेक का कॉसेक लिखेंगे, सेक का सेक ही लिखेंगे और कॉट को कॉट लिखेंगे, ठीक ना। बस इसमें साइन और कॉसेक प्लस में रखेंगे। तो देखिए साइन प्लस में रखा, कॉसेक भी प्लस में रखा, बाकी सबका मान हम माइनस में लिख दे रहे हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार हो गया पाई माइनस एक्स पर। इसी प्रकार पाई प्लस एक्स पर क्या हुआ, देखिए साइन साइन में ही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा, कॉस भी कॉस में, मतलब कुछ नहीं बदलना। तो लिखेंगे साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉसेक एक्स सेक एक्स कॉट एक्स। अब देखिए ये हम हैं तीसरे चतुर्थांश में, तो तीसरे में टेन और कॉट ही प्लस में होता है, देखिए टेन और ये कॉट प्लस में रहेगा, बाकी सब माइनस में, माइनस 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 माइनस, ठीक ना। तो इस प्रकार पाई बाई पाई प्लस एक्स तक हम आ गए। अब देखिए थ्री पाई बाई टू माइनस एक्स और प्लस एक्स का देखते हैं। तो देखिए इसमें हमने लिखा थ्री पाई बाई टू माइनस एक्स, है ना, मतलब अभी हम दूसरे तीसरे चतुर्थांश में हैं। तो अब देखिए हमने बोला था थ्री पाई बाई टू और पाई बाई टू पर फलन बदल जाते हैं, तो हम सबसे पहले साइन का कॉस बदल लेते हैं, कॉस का साइन बदल लेते हैं, टेन का कॉट, कॉसेक का सेक और सेक का कॉसेक, कॉट का टेन, ठीक ना। अब देखिए तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट प्लस में होते हैं, तो ये टेन प्लस में रख लिया और एक कॉट प्लस में रख लिया, बाकी सब माइनस में कर लेते हैं, ये माइनस 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 हो गया, ठीक ना। इसी प्रकार थ्री पाई बाय टू प्लस एक्स में है, मतलब अब हम चौथे चतुर्थांश में जा रहे हैं, मगर थ्री पाई बाय टू होने के कारण साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदलेगा, टेन कॉट में बदलेगा, कॉसेक सेक में बदलेगा, सेक कॉसेक में बदलेगा और कॉट टेन में बदलेगा। तो ये बदल लिया। अब देखिए इसमें कॉस और सेक प्लस में होता है, तो ये कॉस वाला प्लस में लिखेंगे, सेक वाला प्लस में लिखेंगे, बाकी सब माइनस में रहेंगे ये। तो इस प्रकार हमने यहाँ तक लिख लिया। अब देखिए इसके बाद देखिए अब अगर हम इसके आगे देखिए, अब ये वापस आ गए, तो हम लोग ये टू पाई पर आ गए, ठीक ना। इसी जीरो डिग्री को टू पाई भी बोलते हैं। तो यदि हम यहाँ पर साइन टू पाई प्लस एक्स करें, ठीक ना, तो टू पाई प्लस एक्स मतलब पहले चतुर्थांश में चले जाएंगे,
तो ये हो जाएगा साइन एक्स ही हो जाता है, ठीक ना। मतलब या तो फॉर्मूला भी हमने पढ़ा कि 2 पाई के गुणज में अगर कुछ भी हो तो साइन एक्स ही मान लिखा जाता है। इसी प्रकार कॉस 2 पाई प्लस एक्स बराबर ये कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक ना। इसमें तो पहले से फॉर्मूले पर भी है ये टेन 2 पाई प्लस एक्स बराबर टेन एक्स, ठीक ना। पहले पे ही चले जा रहे हैं 2 पाई प्लस कर रहे हैं तो पहले में चले जा रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ये। इसी प्रकार कॉसेक का भी हो जाएगा, कॉसेक 2 पाई प्लस एक्स बराबर कॉसेक एक्स, ठीक ना। इसी प्रकार और सेक का लिखना चाहें तो सेक 2 पाई प्लस एक्स बराबर सेक एक्स। देखिए क्या ना, यहाँ से फिर पुनरावृत्ति शुरू हो रही है, यहीं से फिर वापस आ रहा है, तो वही वही सब मान आ रहे हैं। तो 2 पाई पर हो गया, फिर 2 पाई हो गया, फिर 4 पाई, फिर 6 पाई पर ये पुनरावृत्ति शुरू हो जाता है इसकी, ठीक ना। पूरा एक पूर्ण परिक्रमा के बाद फिर वही मान शुरू होने लग जाता है। तो इसलिए कॉसेक सेक हो गया, अब ये कॉट हो जाएगा, तो कॉट 2 पाई प्लस एक्स बराबर कॉट एक्स हो गया, ठीक ना। तो प्लस वाले में कोई दिक्कत नहीं, अब हम माइनस वाले पर देख लेते हैं। देखिए साइन 2 पाई माइनस एक्स बराबर कॉस 2 पाई माइनस एक्स बराबर टेन 2 पाई माइनस एक्स बराबर कॉसेक 2 पाई माइनस एक्स, और ये हो जाएगा सेक 2 पाई माइनस एक्स, और कॉसेक सेक, और ये कॉट हो गया, कॉट 2 पाई माइनस एक्स, ठीक ना। तो देखिए हम 2 पाई माइनस थीटा है, मतलब अब हम चौथे चतुर्थांश में जा रहे हैं, तो ये क्या लिखेंगे हम, साइन एक्स, ठीक ना। साइन एक्स लिखे और चौथे चतुर्थांश में देखिए, पहले साइन पहले लिख लेते हैं इसको, साइन ये कॉस एक्स, ये टेन है तो टेन एक्स हो गया, ये कॉसेक एक्स है, ये सेक एक्स है, और ये कॉट है तो कॉट एक्स, ठीक ना। इसमें कुछ नहीं बदलता ये, ठीक ना। इस लाइन पर एक्स अक्ष पर फलन बदलते नहीं हैं, केवल वाई अक्ष पर ही फलन बदलते हैं। तो अब देखिए, अब हम को मालूम है कि कॉस और सेक ही चौथे चतुर्थांश में प्लस होते हैं, ठीक ना। तो हम ये वाला प्लस, इसको हम प्लस कर लेते हैं, और इसका सेक इसको प्लस कर लेते हैं, बाकी सब मान माइनस में कर लेते हैं। कोणों के योग और अंतर के लिए त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएँ देखेंगे। तो देखिए इसमें हम लोग आज हम लोग जो भी सूत्र या सर्वसमिकाएँ देखेंगे, तो हम इनको इसको याद करने के तरीके पर ध्यान देंगे, ठीक ना, कि हम कैसे इसको याद काफ़ी ज़्यादा समय तक याद कर सकें, ठीक ना। तो इसमें हमको इसके डेरिवेशन पर नहीं जाना है, हम इसको बस ये देखेंगे कैसे याद कर सकें। तो देखिए इसमें है, पहला सूत्र है, देखिए कॉस एक्स प्लस वाई बराबर, तो देखिए क्या सूत्र होता है इसका, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और इसी प्रकार इसके अंतर वाला देखेंगे, कॉस एक्स माइनस वाई बराबर कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, ठीक ना। तीसरा सूत्र देखते हैं, इसमें साइन एक्स प्लस वाई का सूत्र होता है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, तो इसके अंतर को भी देखते हैं, साइन एक्स माइनस वाई बराबर साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। तो इसमें देखिए, अगर हम कॉस कॉस की बात करें, कॉस का है दो कोणों का योगफल, दो कोणों का अंतर। तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे, कॉस वाले में देखिए कॉस एक्स कॉस वाई और साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। अगर कॉस है तो कॉस एक तरफ है, साइन वाला तो दोनों तरफ, मतलब दोनों बार साइन साइन ही है। अब यहाँ पर अगर प्लस में है तो ये माइनस में होगा, इसी प्रकार ये माइनस में है तो ये प्लस में रहेगा, ठीक ना। तो अपोजिट, तो इसमें क्या करेंगे, इसको याद कर सकते हैं, देखिए ऐसे याद कर सकते हैं, सी
डी ओ, सी से मतलब ये कॉस के से बनने वाले फॉर्मूले कॉस एक्स कॉस एक्स माइनस वाई, ठीक ना, सी डी ओ। तो सी से ये प्राप्त हो गया। डी से क्या होता है कि डबलेट होते हैं, डबलेट मतलब अगर साथ में अगर कॉस है तो कॉस कॉस ही रहेगा, साइन है तो साइन साइन ही रहेगा, है ना, डबलेट। कॉस है तो कॉस कॉस, साइन है तो साइन साइन, देखिए यहाँ पर है, ठीक ना। और ओ से होता है अपोजिट सिंबल, ठीक ना। तो ये देखिए हमने कुछ बनाया है, आप चाहे तो आप अपने हिसाब से भी कुछ याद कर सकते हैं कुछ फॉर्मूला लगाकर। तो हमने ये देखे, ये होगा डबलेट मतलब कि साइन साइन कॉस कॉस, कॉस कॉस साइन साइन, अपोजिट मतलब चिन्ह उल्टा रहेगा। तो देखिए अगर यहाँ पे प्लस में है तो माइनस में आ गया, माइनस में है तो प्लस में आ गया, ठीक ना। तो इस प्रकार हमने याद कर लिखा है। अब देखिए साइन वाले में क्या है, ये देखिए ये इसका था केवल, ठीक ना। अब साइन में है तो साइन में देखिए साइन एक्स कॉस एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई। अब माइनस में देखिए प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है, ठीक ना। तो देखिए यही चीज़ है साइन कॉस कॉस साइन, यहाँ भी वही चीज़ है साइन कॉस कॉस एक्स साइन, ठीक ना। बस प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब इसमें देखेंगे पांचवा, टेन एक्स प्लस वाई, तो इसका सूत्र होगा टेन एक्स प्लस टेन वाई बटे, ये हो जाएगा देखिए यहाँ प्लस में है तो यहाँ लिखेंगे माइनस टेन एक्स टेन वाई। इसी प्रकार इसका अंतर वाला देखते हैं, दो कोणों का अंतर क्या क्या सूत्र होता है। तो ये हो जाएगा टेन एक्स माइनस टेन वाई, ठीक ना। तो यहाँ माइनस, ये वाला माइनस यहाँ लग गया, नीचे वाले में इसके उल्टा साइन लगता है, अगर ये प्लस में है तो यहाँ माइनस में और यहाँ माइनस में है तो यहाँ प्लस में लगता है। तो इस प्रकार ये वन प्लस टेन एक्स टेन वाई ये हमको प्राप्त हो गया, ठीक ना। तो ये पैटर्न है किसी प्रकार का आता है, प्लस में है तो ऊपर प्लस में, माइनस में है नीचे माइनस में है, माइनस है तो ऊपर माइनस, नीचे उल्टा साइन मतलब प्लस में। तो देखिए चीज़ वही सा, अगर आपको ये वाला याद हो गया तो ये अपने आप भी याद हो जाएगा। अगर इसका देखिए कॉट वाला भी देख लेते हैं, कॉट एक्स प्लस वाई बराबर, तो देखिए इसको ऐसे लिखते हैं, ये चीज़ वही लिखा जाएगा मगर जस्ट उल्टे से लिखा जाएगा। जैसे यहाँ यहाँ टेन एक्स प्लस वाई है तो टेन एक्स टेन वाई वन माइनस टेन, ये है इसी को देखिए यहाँ से लिखेंगे, देखिए ये लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे कॉट एक्स प्लस कॉट वाई, ठीक ना, यहाँ शुरू कर रहे हैं उल्टा। फिर आया हमको देखिए प्लस वाले में ये वन माइनस है तो हम लिखेंगे वन माइनस, अब यहाँ लिख देंगे कॉट एक्स कॉट वाई। तो इस प्रकार ये सूत्र बनता है। इसका देखिए माइनस वाला भी देख लेते हैं, कॉट एक्स माइनस वाई क्या बनेगा, तो इसको भी ऐसे लिखेंगे, देखिए कॉट एक्स यहाँ लिखेंगे, जस्ट उल्टा शुरू करेंगे और माइनस है तो माइनस लगाएंगे यहाँ पर, और फिर यहाँ लिखेंगे कॉट वाई, ठीक ना। फिर यहाँ लिखते हैं हम लोग नीचे वन लिखते हैं तो यहाँ लिखेंगे वन प्लस, फिर यहाँ लिखेंगे कॉट एक्स ये कॉट वाई। तो देखिए ये फॉर्मूला बनता है, ठीक ना। तो इसके आगे भी देखते हैं। अब देखिए हम लोग लिखेंगे साइन टू एक्स का फॉर्मूला, साइन टू एक्स, देखिए इसका क्या होता है, टू साइन एक्स कॉस एक्स होता है, ठीक ना। तो ये इसका फॉर्मूला ये हो गया। अब देखिए अगर हम इसको डिराइव भी करना चाहें तो जो हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा है उसकी मदद से हम इसको ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। देखिए साइन, जैसे हमने लिखा साइन एक्स प्लस वाई होता है तो हम यहाँ लिखते हैं साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक ना, ये प्राप्त ये होता है, हमने अभी इसके पहले ही पढ़ा है इसको। अब हम यहाँ पर एक्स वाई का मान एक्स साइन एक्स ही रख देते हैं यहाँ पर, तो देखिए एक्स प्लस एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स, है ना, वाई के स्थान पर एक्स रख दिया तो ये प्राप्त हो गया साइन टू एक्स हो गया बराबर। देखिए ये हो जाएगा सेम चीज़ लिखा है दो बार, साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, तो इस प्रकार हो जाएगा टू साइन एक्स और ये कॉस एक्स आ गया,
तो देखिए अगर पहला जो फॉर्मूला हमने याद किया उससे भी ये डिराइव कर सकते हैं, ठीक ना। हमको इसका डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, हमको ये फर्स्ट फॉर्मूला याद करना है। बाय द वे अगर आप कभी फॉर्मूला इसको ध्यान से उतर जाए तो ये इस प्रकार आता है। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला और भी होता है, तो यहाँ लिख देते हैं हम इसी के बराबर। देखिए होता है 2 tan x बटे 1 plus tan² x, ठीक ना, ये भी होता है। तो देखिए ये कैसे आता है, तो हम इसी को आगे फर्दर इसको हल करते हैं। तो देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, sin 2x बराबर 2 sin x cos x, देखिए बटे 1 लिख दें, कोई फर्क तो पड़ा नहीं। अब इस 1 को हम लिख सकते हैं 2 sin x cos x, तो ऊपर लिखा हुआ है, और नीचे लिख सकते हैं हम इसको, देखिए sin² x + cos² x, है ना। इसके सरसमिका होती है पहले, ये sin² x + cos² x बराबर 1 होता है, तो 1 के स्थान पर हमने ये लिख लिया। अब क्या करिए, अंश और हर में cos² x से भाग दे दीजिए। देखिए 2 sin x cos x बटे cos² x, अब मेन बटा ये हुआ। अब इसमें लिखे भाग दे रहे हैं, तो sin² x बटे cos² x प्लस cos² x बटे cos² x, ठीक ना, अलग अलग कर लिया है। तो देखिए इससे ये पावर इससे कट जाएगा, और ये बचा साइन बटे कॉस, तो साइन बटे कॉस क्या होता है, 10 होता है, तो ये हमने 10 लिख दिया बटे, देखिए साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10² x प्लस सेम चीज है कट के, देखिए 1 आ गया। तो यही फॉर्मूला ये भी हमको प्राप्त हो गया, ठीक ना। तो ये इस प्रकार प्राप्त होते हैं, तो आप इसको ही केवल याद रखिए, sin 2x बराबर 2 sin x या 2 tan x बटे 1 plus tan² x, ठीक ना। तो ये फॉर्मूला होता है। अब इसका देखिए cos 2x का देख लेते हैं। अब देखिए इसमें होता है cos 2x, तो इसका फॉर्म होता है cos² x - sin² x होता है। तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं हम लोग, और एक फॉर्मूला होता है 1 - tan² x बटे 1 plus tan² x, ये दो सूत्र होते हैं, ठीक ना। तो अब देखिए इसमें कैसे इसको अगर डिराइव ही करना चाहें, तो जो हमने पहले सूत्र पढ़ा है उसको देखिए लिख लेते हैं हम, cos x + y, हमको यहाँ cos चाहिए इसलिए हम ये वाला सूत्र लगा रहे हैं। इसका सूत्र होता है cos x cos y, माइनस है ना, प्लस है तो माइनस sin x sin y, ये प्राप्त हो गया। अब हम इसमें y के स्थान पर x रख देंगे, तो देखिए रख देंगे x + x = cos x cos x - sin x और sin x, तो ये हो जाएगा cos 2x बराबर, ये हो जाएगा cos² x - sin² x हो गया। तो देखिए ये वाला प्राप्त हो गया। अगर हम इसको भी प्राप्त करना चाहें तो हम इसमें क्या कर लेंगे, देखिए इसको आगे फर्दर हल कर लेते हैं, cos² x - sin² x लिखा हुआ है, इसको हम इसको 1 लिख सकते हैं, और 1 को हटाकर हम यहाँ पर sin² x + cos² x लिख सकते हैं, और फिर हम इसको cos² x से भाग दे देंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, cos² x - sin² x - cos² x बटे, ठीक नहीं, मेन बटा हो गया, ये हो जाएगा sin² x - cos² x + cos² x - cos² x, तो देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा, कट जाएगा तो 1 आया, माइनस साइन बटे कॉस 10 होता है, बटे साइन बटे कॉस 10 होता है, और ये कट के ये 1 बचेगा, ठीक ना। तो इसको आप 1 प्लस इधर लिख सकते हैं, तो ये प्राप्त हो जाएगा 1 - tan² x - 1 plus tan² x, तो देखिए ये भी सूत्र होता है। तो देखिए हमने इसको डिराइव कर लिया। अब देखिए इसमें tan 2x वाला देखते हैं, ठीक ना। तो
2x, तो tan 2x का भी देखें, तो देखिए tan 2x का क्या फॉर्म रहता है, तो होता है 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x होता है, ठीक ना। तो इसको कैसे डिराइव करेंगे, तो हम जो पहले सूत्र पढ़े हैं tan x प्लस y बराबर tan x प्लस tan y बटे 1 माइनस tan x tan y, ये सूत्र पढ़ा, इसमें हम y का स्थान पर x रख देते हैं, तो देखिए हम यहीं पर रख देते हैं, देखिए ये x रख दिया, ये x हो गया, ये x हो गया, तो देखिए हो जाएगा tan 2x हो जाएगा, tan 2x बराबर tan x tan x 2 tan x बटे 1 माइनस ये हो जाएगा tan स्क्वायर x, ठीक ना। तो देखिए ये फॉर्मूला बन गया, तो इस प्रकार फॉर्मूला याद भी रखिए, और अगर कहीं ध्यान उतर जाए तो आप इससे इसको डिराइव भी कर सकते हैं, मगर आप ज़्यादा पहले कोशिश करें कि आप सारे फॉर्मूले को याद कर लीजिए, ठीक ना। अब 3x वाले देखते हैं, देखिए 12 नंबर, तो देखिए साइन 2x 3x लिखते हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ये हो गया। इसी प्रकार 13 वाला हो जाएगा cos 3x हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x हो गया। 14 नंबर पे देखेंगे tan 3x बराबर 3 tan x माइनस tan क्यूब x बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ठीक ना। तो ये 3 वाले हुए, 3x वाले हो गए। अब इसके आगे देखते हैं, अब देखिए ये चार फॉर्मूले हैं, तो इसमें पहले है देखिए साइन x प्लस साइन y, ठीक ना, ये और किसी किताबों में इसको c और d लिख कर आता है, ठीक ना, जहाँ मैंने x और y लिखा है वहाँ c एंड d और लिखते हैं, तो इसको बोलते हैं c एंड d फॉर्मूला, ठीक ना। तो कुछ भी रखिए, अब देखिए इसका हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, 2 साइन x प्लस y बटे 2 cos x माइनस वाई बटे 2, फिर 16 नंबर साइन x माइनस साइन y बराबर 2 cos x प्लस वाई बटे 2 साइन x माइनस वाई बटे ये 2 होता है। फिर 17 देखते हैं, तो जगह cos x प्लस cos y बराबर 2 cos x प्लस y बटे 2 और cos x माइनस y बाई 2, और एक है 18, तो ये हो जाएगा cos x माइनस cos y बराबर माइनस टू cos माइनस साइन होगा, यहाँ माइनस साइन x प्लस वाई बटे 2 और साइन x माइनस वाई बटे 2। तो देखिए ये चार सूत्र होते हैं, इनके एक जैसे ही पैटर्न है, देखिए इनमें 2 2 2 2 सब में है, ठीक ना, x प्लस 1 बाई 2, x माइनस वाई बाई 2 इन सबों में है, तो ये 2 और ये बीच वाले ये सब तो सेम है, बस ये कहीं साइन कॉस है, कहीं कॉस साइन है, कहीं कॉस कॉस है, कहीं साइन साइन है, तो हमको बस यही पता करना है कि कब साइन होगा और कब कॉस में होगा। तो देखिए इसको पता करने के लिए हम देखिए ज्ञात करते हैं, देखिए लिखा है यहाँ साइन एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है, तो हम ये पहले जो फॉर्मूला पढ़े हैं साइन एक्स प्लस वाई, इस फॉर्मूले को यहाँ हम लिख लेते हैं, तो इसका लिखेंगे हम साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक ना। अब चूंकि ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला है, तो हम इसको पहले वाले को देखेंगे,
ठीक ना, प्लस में है तो पहले वाले पद को देखेंगे, माइनस वाला होता तो दूसरे वाले पद को देखे होते। अब इसमें देखिए क्या पैटर्न है, साइन कॉस, तो ये रहा देखिए साइन है और ये कॉस है, तो ये इस प्रकार से याद होगा। इसी प्रकार ये साइन माइनस एक्स वाला लिखना हो तो लिख लीजिए, चाहे माइनस भी देखिए माइनस वाला है तो माइनस वाला सूत्र लिख लीजिए, चाहे प्लस वाला रख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ माइनस वाला ही लिख लेते हैं, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स ये साइन वाई, देखिए ये सूत्र होता है। अब चूंकि माइनस वाला है तो हम ये दूसरे वाले पद को देखेंगे, ठीक ना, बस यही याद रखिएगा, माइनस है तो दूसरे पद को देखेंगे, प्लस में है तो पहले पद को देखेंगे। तो माइनस है तो देखिए दूसरे पद को जब देखे तो कॉस आया और साइन आया, इसलिए यहाँ कॉस और ये साइन लिखा हुआ है, ठीक ना। अब ये कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का वाला सूत्र लिख लेते हैं हम यहाँ पर, कॉस एक्स प्लस वाई में हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये सूत्र होता है। अब चूंकि प्लस है तो हम ये पहले पद को देख लेंगे, कॉस कॉस है, यहाँ भी देखिए कॉस कॉस आ गया। अब इस वाले में कॉस एक्स माइनस वाई, चाहे ये वाला सूत्र लिख लीजिए चाहे तो इसी सूत्र को देख लीजिए, इसमें देखिए अब माइनस वाला है तो माइनस वाले के लिए हम क्या करेंगे, ये दूसरा पद देखेंगे, ठीक है, माइनस है तो दूसरा पद वाला देखेंगे बस। तो देखिए यहाँ पर साइन है साइन है, ये साइन है साइन है, ठीक ना। तो ये माइनस बस इस वाले पूरे में यही बस एक माइनस में है, बाकी सब ये प्लस में है, ठीक ना। तो माइनस वाला का मतलब हम माइनस वाला सूत्र नहीं लिखेंगे, हम बस माइनस का मतलब कि दूसरा पद देखेंगे। तो दूसरे पद में साइन साइन है, साइन साइन हो गया। इसमें देखिए प्लस है तो हम पहला पद देख रहे हैं, ठीक ना। इनमें भी प्लस माइनस वाला हमने सूत्र लिख लिया, वरना हम एक ही सूत्र से ज्ञात कर लेते, प्लस है तो पहला पद, माइनस है तो दूसरा वाला पद। तो देखिए कॉस है ना, कॉस है साइन है, तो या तो माइनस वाला सूत्र लिख लीजिए चाहे इसी से भी काम चल जाएगा। तो देखिए माइनस है तो ये दूसरा ये भी लगा लीजिए, तब भी वही बात है, ठीक ना। तो इस प्रकार ये प्रश्नावली का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग प्रश्नावली 3.3 करेंगे।